साथी, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ आप सभी से, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत ही पास है, उसके लिए आप पूरी मेहनत कर रहे होंगे पूरी शिद्दत से। आज हमारी क्लास समास की है, हिंदी में आज हम समास पढ़ेंगे। काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में समास, एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि सभी एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है। तो आज हम समास देखने वाले हैं, समास होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका विलोम क्या होता है, इसका अभिप्राय क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, भेद यानी प्रकार होते हैं, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, ये सारे हम पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। फिर इसके भेदों में कौन कौन से भेद हैं, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो आपका समास का चैप्टर पूरा एकदम क्लियर होने वाला है आज। तो स्टार्ट करते हैं, और आपने कल की भी क्लास देख ली होगी, हमने कल संधि विच्छेद किए थे, संधि विच्छेद आपको सभी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, हमने कॉन्सेप्ट के साथ संधि विच्छेद देखे थे कल। तो आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ समास, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आप सभी पेन पेपर हाथ में ले लें और नोट करते जाएं, हालांकि इसको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल प्रियंका शर्मा स्टडी, प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लें, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बट जो हैंड रिटन नोट्स हम बनाते हैं वो हमारी परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाते हैं और हम उसे आसानी से नहीं भूल पाते हैं। तो हमें एक देखो, हर काम ऐसा लगता है कि हमें आसानी से हो जाए, लेकिन एक काम ऐसा है जो हम नहीं चाहते हैं कि वो आसानी से हो जाए, वो है भूलना। तो हम नहीं चाहते कि हम आसानी से भूल जाएं, ठीक है? तो इसीलिए आपको परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट करने के लिए आपको नोट्स बनाने जरूरी हैं। तो आप सभी नोट्स बना रहे होंगे, ये मेरी आशा करती हूँ आपसे। तो स्टार्ट करते हैं, चलो देखो, हिंदी में समास, समास को हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि समास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, समास को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। ये हमारा कंपाउंड हो गया इंग्लिश का इसका मीनिंग। अब देखो यहां पर ये आपको दिख रहा है समास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं यहां पर समास है, ओके। पहली बार समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है, ये समास है क्या? तो आप यहां पर देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है हमारा समास का अर्थ। समास का अर्थ है संक्षिप्त में कहना, किसी बात को हम संक्षिप्त में कह दें उसी को हम समास कहते हैं। संक्षिप्त में कैसे कहें हम किसी शब्द को, तो हम देखेंगे, देखते हैं अर्थ क्या हो गया समास का, संक्षिप्त में कहना या संक्षिप्तीकरण समास का अर्थ होता है। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि ये समास है, ठीक है, लेकिन ये किस भाषा का शब्द है, समास है ठीक है लेकिन ये किस भाषा का शब्द है, तो ये है संस्कृत भाषा का शब्द। आपसे एग्जामिनर यहीं से समास से ही कई क्वेश्चन बना देता है, और ये एक बार नहीं कई बार पूछे भी गए हैं एग्जाम में, समास का अर्थ क्या है, समास का अभिप्राय क्या है, समास का संधि विच्छेद क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, ये सभी। तो इसीलिए आपको पहले देखना है कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त में कहना या संक्षिप्तीकरण। ये किस भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि विच्छेद क्या होता है समास का, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है समास, दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है सम दूसरा है आस, सम प्लस आस से मिलकर के समास बना है। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन या शब्द, यानी कि कथन संक्षिप्त शब्द में कहना ही समास है। अब ये अलग अलग है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, अर्थ में हम कह देंगे कि संक्षिप्त में कहना, लेकिन जब हम संधि विच्छेद पर आएंगे तो सम प्लस आज, सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आज का मतलब होता है कथन या शब्द, यानी कि संक्षिप्त में कहना। नेक्स्ट है इसका अभिप्राय क्या है, ये समास जो हमारा शब्द है इसका अभिप्राय क्या है, तो इसका अभिप्राय है कि दो पदों, मैंने जब आपको वर्णमाला कराया था तो मैंने बताया था कि पद या शब्द एक ही है, वी ए एस टू पी एम ए हमने लिखा था ना, वी ए एस टू पी एम ए,
तो जो हमने वहां पर बताया था, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी किस तरह से हम वर्ड को, वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, या फिर पद, पद के बाद पदबंध, फिर वाक्य, उपवाक्य, यूवी, इस तरह से जो मैंने बताई थी आपको वो ट्रिक आपको एग्जाम में पता है हमेशा ही काम आने वाली है। कब एग्जामिनर आपसे पूछ दे कि इसे एक क्रम में लगाइए, सबसे पहले क्या आएगा, वर्ड आएगा, फिर अक्षर आएगा, फिर शब्द आएगा, तो इस तरह से जब भी आपको दे देना तो वहां पर आपको ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंटली काम आने वाली है। तो यहाँ पर अभिप्राय देख रहे थे कि हम समास का अभिप्राय क्या है, तो समास का अभिप्राय है दो पदों या शब्दों को पास पास बैठाना, इसका अभिप्राय है दो पदों या शब्दों को पास पास बैठाना, इसका क्या है अभिप्राय है। दो शब्दों या पदों को पास पास कैसे बिठाएंगे, जैसे कि हमने सम प्लस आस को हमने समास कर दिया, सम प्लस आस को हमने पास पास किया, और फिर यहां से क्या आया, ये जो हमारा सम है, ये सम है प्लस ये हमारा आस है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये हलंत है, व्यंजन है हमारा, लेकिन ये आ इसके साथ लग जाएगा और इसने क्या बना दिया, इसे समास बना दिया, समास। तो दो शब्दों या फिर पदों को पास पास बैठाना ही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो आप सभी को ये अभिप्राय, अर्थ, भाषा, कौन सी भाषा का शब्द है, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है इसके भेद या प्रकार कितने हैं, किसके, समास के भेद या प्रकार कितने हैं। तो समास के सामान्यतः तो 6 भेद होते हैं सामान्यतः, लेकिन अगर आपसे कहे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, मैंने क्या कहा, समास को हम दो तरह से इसके दो भेदों में बांटते हैं। एक भेद सामान्यतः या मुख्यतया इसके 6 भेद होते हैं, बट अगर आपको एग्जामिनर डायरेक्ट बोले, ऐसे सीधा बोले कि इसके पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो आप 4 बताएंगे, अगर कुछ ना बोले तो आप 6 बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पदों की प्रधानता के आधार पर इसके 4 भेद हैं और मुख्यतया इसके 6 भेद होते हैं, मुख्यतया यानी सामान्यतया। अब हमने इसके भेद देख लिए, भेद को हम प्रकार कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, अभी हमने छोटी छोटी चीजें देखी हैं कि इसका अर्थ क्या है, ये किस भाषा का शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, इसका अभिप्राय क्या होता है। अब इन सब से मिलकर इन सभी का यूज इसकी डेफिनेशन, जो परिभाषा होती है ना, उसमें होने वाला है। तो अब हम परिभाषा देखेंगे कि समास की परिभाषा क्या होती है। तो आप सभी को ये इतना क्लियर दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। देखो परिभाषा क्या है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो शब्द होने चाहिए या फिर उससे अधिक शब्द हो, उनसे मिलकर के जो एक नया सार्थक शब्द बनता है उसको हम समास कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है कि उसका कोई अर्थ निकला होना चाहिए। सार्थक का मतलब क्या है, सा अर्थ, यानी कि अर्थ सहित उसका कुछ अर्थ हो, वो बेअर्थ ना हो, तो उसी को हम समास कहते हैं। जिसका कुछ अर्थ होता है उसको हम समास कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं और इसके सामान्यतः 6 भेद होते हैं। अब इसका विलोम क्या है, ये समास हो गया, विलोम शब्द पूछे जाते हैं, तो हो सकता है उसमें आपको समास का ही विलोम शब्द पूछ ले, समास से भी टॉपिक हो गया और आपका विलोम शब्द भी हो गया, तो एग्जामिनर थोड़ा एक और सीढ़ी ऊपर चला गया है। आप सभी को पता है माइंड ब्लोइंग हो गया है हमारा जो एग्जामिनर होता है वो भी। तो यहाँ पर हो सकता है आपसे समास का विलोम शब्द भी पूछ ले, कि समास का टॉपिक भी हो जाएगा और विलोम शब्द का टॉपिक भी टच हो जाएगा। तो समास का विलोम होता है व्यास, समास का विलोम क्या होता है, व्यास। व्यास मतलब इसे हम समास विग्रह भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समास विग्रह भी कह सकते हैं। जैसे अब देखो समास विग्रह हमने कह लिया कि समास का विलोम होता है व्यास कह लो या समास विग्रह कह लो, व्यास, व्यास का ही अर्थ होता है समास विग्रह। तो अगर मैं कहूं कि समास का विलोम क्या है, मैंने यहां लिखा और आपसे मैंने कहा है कि समास का विलोम बताओ, समास का उल्टा बताओ, तो आप क्या कहोगे, व्यास।
अगर मैंने ऑप्शन में आपको व्यास दिया है तो सबसे पहले आप व्यास पर टिक लगाओगे, अगर मैंने व्यास नहीं दिया है तो आप विग्रह पर टिक लगाओगे। जैसे देखो मैंने यहां पर दिया है समास का निम्नलिखित में से कौन सा विलोम है, ऑप्शन ए दे दिया अमाश, ऑप्शन बी दे दिया विमाश, ऑप्शन सी दे दिया व्यास, ऑप्शन डी दे दिया विग्रह, ओनली विग्रह दे दिया। ठीक है, तो इसमें से किस पर टिक लगाओगे, इसमें से किस में टिक लगाओगे, आप सी में टिक लगाओगे। समास का क्या हो गया, व्यास हो गया। अगर यहां पर समास विग्रह दिया होता, ये व्यास नहीं होता, तो हम समास विग्रह पर टिक लगाते। अगर दोनों दिए होते तो क्या होता, तो दोनों दिए होते तो आप किस पर टिक लगाते, आप समास के समास विग्रह पर टिक लगाते। अगर आपको समास का पूछा जाता विलोम शब्द और व्यास भी दिया होता वहां पर आपको और समास विग्रह भी दिया होता तो आप किस पर टिक लगाते, समास विग्रह पर टिक लगाते। आप सभी को क्लियर हो गया होगा, समास का मतलब जोड़ना, विग्रह का मतलब उसे फिर से अलग करना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, समास क्या है, समास क्या है। ठीक है, समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त में कहना या संक्षिप्तीकरण। समास एक संस्कृत का शब्द है, समास का संधि विच्छेद होता है सम प्लस आस, सम का मतलब होता है यहाँ पर संक्षिप्त और आस का मतलब कथन या शब्द। फिर इसका अभिप्राय क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो पदों या शब्दों को पास पास बैठाना, इसका क्या है अभिप्राय है। तो अभिप्राय क्या हो जाएगा, दो शब्दों को पास पास बैठाना इसका अभिप्राय है, या फिर शब्दों का सार्थक मेल को हम समास कहते हैं। नेक्स्ट हो गया इसके भेद या प्रकार, सामान्यतः इसके छह भेद होते हैं, लेकिन अगर हमें पूछे कि पदों की प्रधानता के आधार पर कितने भेद होते हैं तो हम बताएंगे चार भेद होते हैं। वो भी हम देखेंगे कि छह भेद कौन से हैं और चार भेद कौन से हैं, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। फिर हम इसकी परिभाषा पर आते हैं कि परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा होती है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए शब्द को ही हम, नए सार्थक शब्द को ही हम समास कहते हैं। कभी हो सकता है आपसे परिभाषा दे दी जाए, चार ऑप्शन में परिभाषा दे दी जाए, एक ये वाली परिभाषा होगी, तीन अलग होंगी, मतलब डिफरेंट होंगी, कुछ ना कुछ उसमें गलत होगा, तो वो नहीं होंगी, तो आपको इस तरह लगाना है। फिर इसका विलोम पूछा जाए, व्यास या समास विग्रह, तो व्यास या समास विग्रह इसका विलोम होता है। अब समास हमने देख लिया, उसके बारे में सारे फैक्ट देख लिए, अब विग्रह क्या होता है, यानी समास विग्रह क्या होता है। तो समास को हम दो शब्दों को जोड़ करके एक सार्थक शब्द बना रहे थे, अब क्या करेंगे, जो सार्थक शब्द बना है उसको दो अलग अलग शब्दों में बांट देंगे, उसी को हम विग्रह कहते हैं। यानी कि समास में जब हमने जोड़ा था उसको हम फिर से अपनी पूर्वावस्था में ले आएंगे, उसी को हम समास विग्रह कहते हैं। तो जैसे समास विग्रह यहां पर देख सकते हैं, जैसे नील कमल, नील कमल ये क्या है, एक समास है, इसमें हमने नील एक शब्द को, कमल एक शब्द को जोड़ा है और हमारे पास नील कमल एक शब्द बनकर आया, देख सकते हैं आप, जैसे नील कमल। अब इसका ये तो मेरा पास समास हो गया, अब उसे इसका मुझे विग्रह करना है, यानी कि इसका अपोजिट करना है। तो नीला है जो कमल, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास समास विग्रह। नीला है जो कमल, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, समास विग्रह हो जाएगा। अगर मैं इसमें आपको कौन सा समास है ये पूछूं, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, जो कि हम देखेंगे कि क्या इनकी पहचान होती है, हम पहचान कैसे करते हैं कि कौन सा समास है, कौन से पद में कौन सा समास है। तो आप सभी को ये इतना क्लियर हो गया होगा जो भी अभी मैंने बताया समास के बारे में, क्या अभिप्राय होता है, क्या ये है वो है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट। अब हम इतना आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, अब हम देखते हैं इसके छह, जो सामान्यतः छह भेद और पदों की प्रधानता के आधार पर चार भेद जो होते हैं वो देखते हैं। सामान्यतः छह भेद और पदों की प्रधानता के आधार पर चार भेद, तो पहले हम सामान्यतः छह भेद देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः छह भेद हैं, अव्ययी भाव समास, पहला है हमारे पास अव्ययी भाव समास, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया।
ये हमारे पास सेकंड हो गया, ये हमारे पास थर्ड हो गया, उसके बाद ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ये छह हो गए हमारे पास सामान्यतः। पहला है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास को हम इंग्लिश में कहते हैं व्यल कंपाउंड, एडवर्ब व्यल कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, हमें लंबी डेफिनेशन नहीं याद करनी है, नहीं वो हमें याद रहेगी, हमें सिर्फ इसका पॉइंट पकड़ना है कि अव्यय भाव समास में हम किससे पहचान करेंगे कि ये जो पद है वो अव्यय भाव समास है, इस पद में अव्यय भाव समास है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो सिर्फ हम एक छोटी सी हिंट के माध्यम से देखेंगे कि अगर हमें इस तरह से पद मिलता है तो हम बताएंगे कि ये अव्यय भाव समास है। तो अव्यय भाव समास में क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद का मतलब पहला पद। जैसे मैं आपसे बोलती हूं राजा राम, तो इसमें राजा पहला पद है, राम दूसरा पद है, राजा क्या है इसमें पूर्व पद प्रधान हो गया, राजा राम मतलब राम कौन है, एक राजा है राजा राम। तो अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे अनु, अनु जैसे अनु लगा हो किसी शब्द के आगे, आ लगा हो किसी शब्द के आगे, प्रति लगा हो किसी शब्द के आगे, भर लगा हो किसी शब्द के आगे, या फिर यथा लगा हो किसी शब्द के आगे। यथा संभव यानी कि जैसे संभव हो, ये क्या हो गया, ये अव्यय भाव समास हो गया, यानी कि जैसे संभव हो यथा संभव कहते हैं हम उसे। फिर है प्रतिदिन, तो दिन के आगे प्रति आ गया यानी कि प्रत्येक दिन। वैसे ही आ, आ जैसे आवाज, वाज के आगे हमने आ लगा दिया। वैसे और भी बहुत सारे होते हैं, अनुकूल हो गया अ लगा दिया उसके सामने, नुकूल के सामने अ लगा दिया। वैसे ही अनु हो गया, अनुरूप, रूप के सामने हमने अनु लगा दिया, तो वो क्या बन गया, एक अव्यय भाव समास बन गया। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, ये हमारा प्रथम पद हो गया यानी पूर्व पद हो गया प्रति, और दिन हमारा उत्तर पद हो गया यानी कि द्वितीय पद हो गया। यथा संभव, यथा हमारे पास पूर्व पद हो गया, संभव हमारे पास द्वितीय पद या उत्तर पद हो गया। फिर है अनुरूप, अनु हमारे पास प्रथम या पूर्व पद हो गया, रूप हमारे पास द्वितीय या फिर उत्तर पद हो गया, द्वितीय को ही हम उत्तर पद भी बोल देते हैं। तो अव्यय भाव समास देखा, जिस पद में, जिस पद का पूर्व पद प्रधान हो, जिस शब्द का पूर्व पद प्रधान हो, उसको हम क्या कहते हैं, अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे यथा संभव, जैसे अनुरूप, जैसे प्रतिदिन, इस तरह से, जैसे अनुकूल हो गया, दिन भर हो गया, ठीक है ऐसे। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को हम इसे इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। तत्पुरुष समास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। अब इसको कैसे देखें, कैसे पता करें कि तत्पुरुष समास है, तो इसकी भी एक ट्रिक है। क्या है इसकी ट्रिक, उत्तर पद प्रधान होता है इसमें, उत्तर पद प्रधान होता है यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है इसमें, पहला पद प्रधान नहीं होता इसमें। हमें यथा, अनु, भर, प्रति ये सब नहीं मिलेंगे। अगर ये मिलते हैं पहले पद में तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। लेकिन दूसरा पद प्रधान होगा, इसी तरह से जो हमने प्रथम पद देखा था, लेकिन उसकी जगह दूसरा पद प्रधान हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे कि राजकुमार, राजकुमार, राजा का कुमार। अब कुमार किसका है, राजा का, तो राजा इसमें पूर्व पद नहीं है, कुमार की तरफ इशारा किया है कि कुमार किसका है, राजा का कुमार है, तो दूसरा पद क्या हुआ, राजा का कुमार, तो कुमार राजा का है। नेक्स्ट है धर्म ग्रंथ, धर्मों का ग्रंथ, धर्मों का है ग्रंथ, अगर धर्म नहीं हो तो ग्रंथ नहीं हो, है ना इस तरह से। तो धर्म का ग्रंथ किसकी तरफ इशारा हो रहा है, जो दूसरा पद है, कि ये ग्रंथ किसका है, धर्मों का है, इस तरह आपको पता लगाना है। जैसे राजकुमार, धर्म ग्रंथ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम इसका जब टेस्ट लेंगे तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो तत्पुरुष समास क्या हो गया, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे राजकुमार, धर्म ग्रंथ, इस तरह से। फिर यहां पर देख सकते हैं इसके छह टाइप होते हैं तत्पुरुष समास के, कौन कौन से आपने सुना है ना,
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपदान के लिए अपातान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हेयरे हो। ये आपने यहाँ पर ये सुना होगा जो हमारे कर्ता कर्म क्रिया है ये सब, तो इसमें क्या होता है कर्ता ने, इसका समास नहीं बनता है और संबोधन हे अरे हो जो हमारा पहला और लास्ट का होता है उसका समास नहीं बनता है, सिर्फ छह का हमारे पास समास बनता है। कर्ता ने इसको छोड़ दो और संबोधन हे अरे हो इसको छोड़ दो, बाकी सभी का समास बनता है जो हमारे बीच के छह होते हैं। इसको भी मैं आपको एक क्लास में करा दूंगी कि जो हमारे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपदान का के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो, जो हमारा ये है जिसे हम तत्पुरुष समास के भेद कहते हैं, जो ये भेद हैं इसमें छह के तो बनते हैं लेकिन पहला और अंतिम जो हमारा टाइप है इसके नहीं बनते हैं। तो इसके छह भेद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मैंने बता दिए, सिर्फ आपको कर्ता को और संबोधन हे अरे को छोड़ना है, बाकी सभी छह। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को इंग्लिश में कहते हैं अपोजिशनल कंपाउंड। कर्मधारय समास को क्या कहते हैं, अपोजिशनल कंपाउंड कहते हैं। अब इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद प्रधान नहीं होता, पहला पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दूसरा पद जिसे हम सेकंड पद या उत्तर पद कहते हैं वो प्रधान होता है। जैसे चरण कमल, चरण कमल के समान चरण, चरण के समान कमल, है ना, तो चरण कमल, चरण के समान कमल के समान है जिसके चरण, कमल के समान है जिसके चरण, तो यहां पर क्या हो जाएगा चरण कमल। अब इसकी ट्रिक क्या है, आपने देख लिया उत्तर पद प्रधान हो जिसमें है जो और के समान। अब मैं यहां क्या कह रही हूं, चरण कमल यानी कि कमल जिसके चरण कमल के समान हो, जिसके चरण कमल के समान हो उसको हम चरण कमल कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं के समान यानी कि हमने एक के साथ दूसरे की तुलना करी, तो इसमें के समान है जो ये सारे शब्द आते हैं, आप पहचान सकते हैं कि ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है द्विग समास। द्विग समास में क्या होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे पूर्व पद का मतलब जैसे चौराहा, तिराहा, ठीक है, और भी हो गए, और भी बहुत सारे हमारे शब्द होते हैं जो जिसमें संख्या पहले आती है, वो सारे क्या होते हैं हमारे द्विग समास होते हैं। इससे भी आपको पता चल रहा होगा द्विग यानी कि दो की तरफ इशारा कर रहा है, दो एक क्या है संख्यावाचक है, तो द्विग में सारे संख्यावाचक शब्द आते हैं, चौराहा, तिराहा, दुपहिया, दोपहिया हो गया, इसी तरह से बहुत सारे हैं, अभी माइंड में नहीं आ रहे, बट लेकिन जब हम एग्जाम में देखते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि जिसके सामने संख्यावाची शब्द होगा वही हमारा द्विग समास होगा। नेक्स्ट है द्वंद समास। अब द्वंद से आपको क्या पता चल रहा है, द्वंद होगा, द्वंद, जैसे जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जिस देखो पहली इसकी पहचान है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद समास में, द्वंद होगा, कैसे होगा द्वंद, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। अब दोनों पद का मतलब है एक कहेगा मैं राजा, दूसरा कहेगा मैं राजा, तो द्वंद होगा, द्वंद होना स्वाभाविक है, द्वंद होगा, तो इसमें क्या होगा कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, वो भी कहेगा, अब सॉल्यूशन क्या है कि चलो भाई तुम भी बन जाओ प्रधान, तुम भी बन जाओ प्रधान, दोनों को बना दिया जाता है प्रधान, और फिर इसी को हम क्या कहते हैं द्वंद समास कहते हैं। अब प्रधान बना दिया जाता है तो प्रधान कैसे बनाया जाएगा, या और अथवा लगा करके प्रधान बनाया जाएगा ना, इसका मतलब क्या होता है ये या ये, ये या ये, अथवा और या का मतलब यही तो होता है, या तो ये यानी ये, तो हम दोनों ही शब्दों को ऐसी जगह पर प्रधान मानते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं द्वंद समास कहते हैं। तो ये आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा द्वंद समास क्या होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉपुलेटिव कंपाउंड, कॉपुलेटिव कंपाउंड इसे इंग्लिश में कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पर देख सकते हैं और या अथवा, जैसे नाक कान, नाक कान क्या है, नाक भी अपने आप को कह रही है कि मैं प्रधान, कान भी कह रहा है मैं प्रधान, तो इसमें दोनों ही पद प्रधान है, नाक भी प्रधान है और कान भी प्रधान है, नाक कान, राम श्याम, सीता गीता, इस तरह से आते हैं इसमें पद।
नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास, क्या है? दिन रात, दिन रात आ जाएंगे इसमें। अब नेक्स्ट हमारा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास को इंग्लिश में कहते हैं एट्रीब्यूटिव कंपाउंड, बहुव्रीहि समास को इंग्लिश में कहते हैं एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। बहुव्रीहि समास होता क्या है इसकी, देखो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता। अभी पहले में हमने देखा पूर्व पद प्रधान होता है, फिर तत्पुरुष और कर्मधार में हमने देखा तत्पुरुष कर्मधार और द्विग में हमने देखा कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान और इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें हमने उत्तर पद प्रधान देखे, इसमें हमने पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण देखा, और फिर बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। द्विंद में हमने दोनों पद प्रधान देखे, लेकिन बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो आप सभी को यहाँ पर क्या देखना है कि अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष और कर्मधारय समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, वहीं पर अगर हम द्विग समास की बात करें तो इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है, द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, अगर हम बहुव्रीहि समास की बात करें तो इसमें से कोई पद प्रधान नहीं होता, न पहला पद और न दूसरा पद, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है इसमें, न पहला पद न दूसरा पद बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, इसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब पता कैसे करेंगे कि कोई तीसरा पद प्रधान है, जैसे हमने इसका देखा भाई अव्ययीभाव समास को एग्जाम्पल से समझा, जैसे यथा और यथा अनुप्रत्यय भर लगा हो तो हम बता सकते हैं कि ये होगा। फिर हमने तत्पुरुष में देखा कि भाई अगर तत्पुरुष के छह भेद होते हैं का की के ये सब लगे हों उसमें, या फिर ये राजकुमार धर्म ग्रंथ इससे देखा, फिर हमने ये देखा। अब इसका क्या है, बहुव्रीहि को हम कैसे देखेंगे, तो जिस समस्त पद में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ, देखो अब इसे अच्छे से समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है बहुव्रीहि समास, और इसे आपको एग्जामिनर काफी मतलब ये एक तरह से फंसाने वाला भी, कभी कभी हमें बहुव्रीहि और तत्पुरुष एक जैसे दिखने लगते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपको देखना है बहुव्रीहि समास एट्रीब्यूटिव कंपाउंड होता क्या है, तो जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबो का मतलब, लंब का मतलब लंबा, दो लंबोदर। अब ये इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो लंबोदर यानी कि लंब प्लस उदर, अब लंबा प्लस उदर बनेगा इसका संधि विच्छेद, और ये तीसरे पद की लंबा है जिसका उदर, किसका उदर लंबा है, किसका पेट लंबा है, तो ये हो जाएगा गणेश भगवान का, गणेश भगवान का पेट लंबा है, तो लंबा है उदर जिसका, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो लंबा है उदर जिसका गणेश जी, महावीर महान है जो वीर, महान है जो वीर यानी कि जो वीर महान है, कोई तीसरे पद की ओर इशारा किया, उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतांबर, पीला अंबर धारण करने वाला, जैसे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की ओर इशारा कर रहा है ये वाला शब्द, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे पंकज यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, पंकज कमल, कमल की ओर इशारा कर रहा है ये वाला शब्द हमें, पंकज, पंक मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला मतलब कमल। तो इस तरह से हम बहुव्रीहि समास का पता लगाते हैं। ये हमारे सामान्यतः छह भेद थे, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग, द्वंद और हमारे पास बहुव्रीहि समास। अब हम पदों की प्रधानता के आधार पर देखते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर सिंपल है। पहला पूर्व पद प्रधान था उसको हमने अव्ययीभाव समास कहा था ऊपर, फिर जिसमें उत्तर पद प्रधान था उसको हमने तत्पुरुष कर्मधारय और द्विग समास कहा था। ये द्विग समास आपको पूर्व पद इसमें संख्यावाचक दिखेगा लेकिन दूसरा ही पद इसमें प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे चार राहों का समूह इक्वल टू चौराहा, चार राहों का समूह, तो इसमें चार जो हमें दिखा ना वो मैंने बताया था कि वो संख्यावाचक होगा लेकिन क्या होगा इसमें उत्तर पद ही प्रधान होता है, जैसे चौराहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व पद प्रधान होता है जिसमें अव्ययीभाव हो गया, उत्तर पद प्रधान होता है जैसे तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान था,
कर्मधारय में और द्वि समास में। नेक्स्ट है दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद में। मैंने कहा था ना द्वंद होगा कि मैं प्रधान बनूंगा या मैं प्रधान बनूंगा, तो फिर क्या होता है या अथवा और लगा करके दोनों को ही प्रधान बना दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर है दोनों पद अप्रधान, कोई पद प्रधान नहीं बल्कि तीसरा ही पद प्रधान, वो क्या था बहुप्रिय समास, लंबोदर, पंकज, पीताम्बर, महावीर, ये सारे हमने इसके उदाहरण देखे थे। तीसरा या फिर अन्य कोई पद प्रधान होता है उसे हम बहुव्रीय समास कहते हैं। तो ये थी आज की क्लास समास। समास के हमने सारे इसके छोटे से बड़ा हर एक पॉइंट देखा जो एग्जामिनर बना सकता है, ठीक है। तो अब इसका एक टेस्ट और लेंगे जिससे कि आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से ये समास होता है। सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समास क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, ये किस भाषा का शब्द है, इसका अभिप्राय क्या है, संधि विच्छेद क्या है, परिभाषा क्या है, विलोम शब्द क्या है, कितने भेद होते हैं सामान्यतः कितने भेद होते हैं, और पद की प्रधानता के आधार पर कितने भेद होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर चार भेद होते हैं जिसमें पहला पूर्व पद प्रधान हो अव्ययीभाव समास कहेंगे, जिसके दोनों पद उत्तर पद प्रधान हो उसे हम कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विक समास कहेंगे, जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो उसे हम द्विक समास कहेंगे, और जिसमें कोई पद प्रधान न हो कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे हम बहुव्रीय समास कहेंगे। तो ये चार हो गए, बाकी ये छह हो गए, इनको अलग अलग तरह से हम जब लिख देंगे तो ये इस तरह से हो जाते हैं। तो ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेशन में जरूर बताना, और इसका हम जल्दी ही टेस्ट लेकर के आप सभी के सामने हाजिर होंगे जिससे कि आप अपनी स्कोर करके मुझे बताएंगे और अपनी तैयारी पता कर सकते हैं कि कितना समझ आया है आपको इस क्लास से, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछेंगे, मैं आपका आंसर अवश्य दूंगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, करंट अफेयर की क्लास में जो कि SSC GD के लिए होने वाली है। जय हिंद जय भारत।